नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हर सब्जेक्ट में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो देखने में एक जैसी लगती हैं, जो बोलने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत बड़ा होता है और ये टर्म्स अक्सर हमें कन्फ्यूज़ करती हैं और हम एक टर्म को दूसरी के साथ मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और कई बार अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। ऐसी ही दो टर्म जिस पर हम डिस्कस करेंगे प्रिंट मीडिया से जुड़ी, वो टर्म्स हैं जो हमारी चर्चा का विषय रहेंगी। आज हम चर्चा करेंगे एडिटोरियल वर्सेस एडवर्टोरियल, यानी एडिटोरियल और एडवर्टोरियल में बेसिक अंतर क्या है। बोलने में, समझने में, सुनने में ये बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें जो अंतर है वो इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा अंतर है। जब इसका अंतर समझेंगे आप तो आप खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इन दोनों में अंतर को समझने के लिए, इन दोनों टर्म्स में बेसिक जो डिफरेंस है उसको समझने के लिए हम अलग अलग इन टर्म्स को समझते हैं, ताकि आपका जो सवाल है या जो हमारा आज का विषय है वो आपके दिमाग में अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल के बारे में, यानी संपादकीय क्या होता है। दोस्तों, संपादकीय जो है यानी एडिटोरियल, एक समाचार पत्र या पत्रिका यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन का एक किसी विषय विशेष पर एक व्यू पॉइंट होता है, उसका आउटलुक होता है, उसका दृष्टिकोण होता है। यानी एक खास विषय पर वो समाचार पत्र और पत्रिका क्या दृष्टिकोण रखता है, क्या आउटलुक उसका है, वो अगर आपको समझना है तो समाचार पत्र पत्रिका के संपादकीय का आपको पढ़ना पड़ेगा और वहाँ से पता लगेगा कि अखबार या पत्रिका उस विषय पर क्या सोचते हैं। आजकल आप देख रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी खबरें प्रकाशित हो रही हैं, काफ़ी एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। तो अगर किसान आंदोलन जो चल रहा है, तीन कानून जो बनाए गए हैं, पहले वो ऑर्डिनेंस थे, अब कानून का रूप ले चुके हैं, तो अगर उन कानूनों पर किसी अखबार की, किसी मैगज़ीन की या किसी समाचार पत्र समूह की आपने राय जाननी है कि वो इनके बारे में क्या सोचता है, वो सही हैं, गलत हैं या ठीक हैं, ठीक ठीक है किस तरह से वो हैं, यानी जो राय है वो अगर आपने समझनी है तो उसके लिए आपको समाचार पत्र पत्रिकाओं के जो संपादकीय हैं उन पर एक नज़र डालनी होगी। अगर संपादकीय की अगर हम बात करें तो ये मोटे तौर पर तीन तरह के, एक तरह से व्यू पॉइंट वाले होते हैं। कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जो किसी विषय विशेष पर सरकार के साथ होते हैं, यानी सरकार के डिसीजन को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और कई समाचार पत्र समूह ऐसे होते भी हैं कि सरकार के हर डिसीजन को वो अप्रिशिएट करते हैं। तो जब एक पाठक लगातार उस अखबार या समाचार पत्र समूह को पढ़ रहा होता है तो उसको लगता है कि अमुक समाचार पत्र के जो संपादकीय हैं या पत्रिका के जो संपादकीय हैं वो प्रो गवर्नमेंट हैं, यानी उसका जो रवैया है वो सरकार के साथ वाला है। लेकिन कुछ समाचार पत्र समूह या पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जिनका जो रवैया है वो एक तरह से सरकार के हर डिसीजन का एक तरह से उसको एजिटेट करते हैं, उस पर अलग व्यू पॉइंट रखते हैं। लगातार अब उस पर नज़र रखेंगे तो पता लगेगा कि वो एक एंटी गवर्नमेंट कह सकते हैं हम, या एक तरह से प्रो गवर्नमेंट वो नहीं है, बस कि उससे अलग वो राय रखता है। देन तीसरा है न्यूट्रल। कुछ समाचार पत्र समूह ऐसे होते हैं जो कि होना ऐसा ही चाहिए कि वो हर विषय की बिल्कुल गहन जांच पड़ताल के बाद, विश्लेषण के बाद एक न्यूट्रल उनका रवैया होता है, एक न्यूट्रल उनका आउटलुक होता है, बिल्कुल जो बैलेंस्ड होता है। और वो अगर सरकार का डिसीजन सच में उनको सही लगता है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, अगर उनको लगता है कि अमुक डिसीजन सही नहीं है तो उसको विरोध भी करते हैं और उस पर अपनी खुल के अपनी राय रखते हैं। यानी तीन तरह के एडिटोरियल नॉर्मली होते हैं। एक कुछ एडिटोरियल प्रो गवर्नमेंट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, ना वो खिलाफत करते हैं ना उसकी अप्रिशिएट करते हैं, जैसा होता है उसकी रियल पिक्चर वो रखते हैं, और तभी प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया वो अच्छे से काम कर पाता है। अगर हम बात करें कि जो संपादकीय है ये पब्लिश कौन से पेज पर होता है, समाचार पत्र में कौन से स्थान पर होता है, तो ये जो एक संपादकीय पेज हर समाचार पत्र में आप देखते हैं वहाँ पे एडिटोरियल को जगह दी जाती है। और मोस्टली जो संपादकीय है वो करंट इशू पे, यानी जो आज का समसामयिक विषय है उस पर संपादकीय लिखा जाता है। और अक्सर अखबारों में एक राष्ट्रीय स्तर का जो संपादकीय है उसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को उठाया जाता है, और दूसरे संपादकीय में वहाँ के जो रीजनल लेवल पे,
क्योंकि आज समाचार पत्र जो है वो राष्ट्रीय न रहकर रीजनल ज़्यादा हो गए हैं, क्यों हर स्टेट से अपने अपने एडिशन निकलते हैं, एक स्टेट से दो तीन एडिशन निकलते हैं, कई कई एडिशन निकलते हैं, यूपी बड़ा स्टेट है, बिहार बड़ा स्टेट है, तो वहाँ से समाचार पत्रों के कई एडिशन निकलते हैं, तो वहाँ से रीजनल जो मुद्दे हैं उन पर भी एडिटोरियल लिखे जाते हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी संपादकीय लिखे जाते हैं। जहाँ तक संपादकीय लिखने की बात है तो एडिटोरियल टीम एक होती है जिसमें संपादक रहते हैं, संपादक के सहयोगी होते हैं, वो पूरी टीम चर्चा के बाद कि किस विषय पर एडिटोरियल लिखा जाए, क्या हमारे व्यू पॉइंट हमारे समाचार पत्र का क्या होगा, यानी हमारा स्टैंड क्या होगा इस पे, उसके बाद संपादकीय उस टीम के द्वारा लिखा जाता है। और एडिटोरियल जो है वो पब्लिक ओपिनियन बनाता है, क्योंकि जो अगर किसी विषय पर आपने, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अखबार या समाचार पत्र संस्थान या पत्रिका की जो राय जाननी है तो हम उसका संपादकीय पढ़ते हैं, तो अगर संपादकीय किसी विषय विशेष पर लिखा जाता है तो उस अखबार की सोच है, एक तरह से बुद्धिजीवी तबका है उसकी सोच है, उसको लाखों लोग पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद किसी विषय विशेष पर अपनी एक ओपिनियन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार ने कोई कानून पास किया, कोई डिसीजन लिया और देखा गया कि सभी अखबारों में, सभी समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रमुख जो हैं उनमें एक तरह से ये कहा गया कि सरकार का ये कानून सही नहीं है, तो पब्लिक ओपिनियन क्या बनेगा कि सरकार का ये निर्णय सही नहीं है और सरकार को विरोध झेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम करते हैं, अगर कोई चीज़ सही है तो वो सही ओपिनियन बनाएगी, उसे गलत है उससे गलत पब्लिक ओपिनियन बनती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मीडिया जो है वो एक अनबायस्ड यानी निष्पक्ष अगर भूमिका निभाता है तो एक पब्लिक ओपिनियन, वो एक जेन्युइन पब्लिक ओपिनियन हमारे सामने आएगी। अब हम बात करते हैं एडवर्टोरियल की, इसी से मिलता जुलता है सुनने में एडवर्टोरियल। एडवर्टोरियल जो है दैट इज द मिक्सचर ऑफ एडवर्टीजमेंट प्लस एडिटोरियल, एंड एडवर्टोरियल इज एन एडवर्टीजमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिटोरियल कंटेंट। यानी एडवर्टोरियल जो है वो बेसिकली एक विज्ञापन होता है, एक एडवर्टीजमेंट होती है, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो एक तरह से प्रस्तुतिकरण है वो ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि देखने में ये एक एडिटोरियल है। एडिटोरियल नो एक आर्टिकल की फॉर्म में हो सकता है, एक न्यूज़ की फॉर्म में हो सकता है, आपको लगेगा कि वो संपादकीय विभाग या पत्रकारों के द्वारा तैयार किया गया एक न्यूज़ आइटम है, एक आर्टिकल है, एक फीचर है, लेकिन वास्तव में वो विज्ञापन होता है। और अक्सर आप देखते हैं इलेक्शन के टाइम में अलग अलग पार्टियां जो हैं वो अपने प्रचार के लिए कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, इतने हज़ार से जीत रहा है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी रहेगी और उस फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम इतना बढ़त बनाए हुए हैं, तो हेडिंग उसका ऐसा होता है कि वो समाचार लगता है देखने में। एक आम आदमी जो एक लेमैन है वो जब उसको पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस पार्टी की है, लेकिन बिल्कुल कोने में सबसे नीचे उसमें ADVTB भी कई बार लिखा होता है, उसका जो फॉन्ट साइज है, उसका न्यूज़ का जो रंग रूप है, उसका लेआउट है, वो एक न्यूज़ की तरह ही होता है जो दूसरी न्यूज़ होती हैं, लेकिन टेक्निकली वो एक एडवर्टोरियल होता है, तो आम आदमी उसको समझ नहीं पाता कई बार, और ये एक तरह से इल्यूजन क्रिएट करता है, एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। और एथिकली अगर हम कहें तो ये एथिकली भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि आम आदमी को ज़्यादा पता नहीं होता कि लास्ट में जो ADVT लिखा है, जो विज्ञापन एक बिल्कुल कोने में छोटा सा लिखा है, वो उसका मतलब क्या है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, और ख़ासकर जो दूसरे जो कमर्शियल हैं वो भी आर्टिकल या फीचर जो है कमर्शियल विज्ञापन होते हैं वो भी इस तरीके से कई बार ऐसा होता है, कोई हेल्थ का है या कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है उसका एक आर्टिकल की फॉर्म में देते हैं और वो बेसिकली एडवर्टोरियल होता है। यानी जब एक एडवर्टीजमेंट को बिल्कुल विशुद्ध रूप से एडवर्टीजमेंट की तरह ना पब्लिश करके उसको एक ऐसे ट्रीटमेंट उसका करना कि वो न्यूज़ लगे, वो एक आर्टिकल लगे, वो एक फीचर लगे, वो एक न्यूज़ आइटम की तरह लगे और वो वास्तव में विज्ञापन होता है, तो उसको एडवर्टोरियल कहते हैं, यानी एक एडवर्टीजमेंट इन फॉर्म ऑफ एडिटोरियल कॉन्टेंट। तो दोस्तों, आज हमने प्रिंट मीडिया से जुड़ी ये टर्म्स डिस्कस की जो अक्सर हमें कंफ्यूज करती हैं। जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं, अक्सर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इनके बारे में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की इस वीडियो से विद्यार्थियों का ये कन्फ्यूजन ज़रूर दूर होगा और भविष्य में ये उनके काम आएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।